तो बेसिकली जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे आप ट्रांसपोजॉन्स कहते हो। अब सवाल ये उठता है कि ट्रांसपोजॉन्स का मतलब क्या होता है। जैसे ही आपने कह दिया ट्रांसपोजॉन्स, ये दो वर्ड से है, एक वर्ड है ट्रांस, दूसरा वर्ड है पोजॉन। ट्रांस का मतलब होता है अदर, दूसरी जगह पे। पोजॉन्स का मतलब होता है पोजिशन। अगर कोई जीनोम जो है, बेसिकली कोई जीन जीनोम में जंप कर रहा है, तो उसे ट्रांसपोजॉन्स कहेंगे। तो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, सीक्वेंस ऑफ डीएनए, सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट कैन मूव, ध्यान में रखिएगा, सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट कैन मूव और ट्रांसपोज देमसेल्स, सीक्वेंस ऑफ डीएनए दैट कैन मूव और ट्रांसपोज देमसेल्स टू अ न्यू पोजिशन विद इन द जीनोम। मतलब ये जीनोम के अंदर ही यहां वहां जंप कर सकता है, तो उस सीक्वेंस ऑफ डीएनए को हम क्या नाम देंगे, हम उसे कहते हैं ट्रांसपोजॉन्स। एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, बेसिकली कि हम जो है मान लो एक ये बना लेते हैं, लेट अस टेक दिस टू बी द जीनोम। अब इस जीनोम के अंदर जो है आपके पास एक ये ग्रीन कलर वाला जीन है, ये देखो ये ग्रीन वाला। अब यहां पर जो है ये एक सेक्शन ले लो जीन का, जो मान के चलो येलो कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये वाला जो है वो ग्रीन कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि ये ग्रीन कलर वाला जीन जो है जंप करके येलो वाले के आगे आ जाता है। तो अगर वो येलो वाले के आगे आ गया, इसका मतलब ये हो गया कि येलो कभी एक्सप्रेस नहीं कर सकता, और फिर वो क्या दिखेगा, ग्रीन दिखेगा, और ये ग्रीन वाला जी जगह जो है हमेशा के खाली हो जाता है। तो वैसे ही ये ट्रांसपोजॉन हो गए, ग्रीन वाला जीन क्या कहलाएगा, ट्रांसपोजॉन, क्योंकि वो सीक्वेंस में कहीं पर भी जंप कर रहा है। ये जहां पर भी जंप करके जाएगा, जिसके ऊपर भी जाएगा, उसका फंक्शन क्या हो जाएगा, बेसिकली खत्म हो जाएगा। ये बात ध्यान में रखना। ट्रांसपोजॉन्स का दूसरा नाम क्या है सबको तो याद रखना है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जंपिंग जीन। इसको हम जंपिंग जीन के भी नाम से जानते हैं, और ट्रांसपोजॉन्स की वजह से बहुत सारे म्यूटेशंस क्रिएट हो सकते हैं। सो वी कैन से दिस ट्रांसपोजॉन्स कैन क्रिएट फिनोटाइप, सिग्निफिकेंट म्यूटेशन। म्यूटेशन सबको मालूम है, कुछ ऐसा जो पहले कभी ना था, एग्जिस्ट ना हो रहा हो, अचानक से आ जाए, और यहाँ पर जो चेंजेस होगा ना वो फिनोटिपिकली होगा। तो कैन क्रिएट अ फिनोटिपिकली म्यूटेशन, ठीक है। अब इसमें एग्जाम्पल क्या है, ट्रांसपोजॉन्स में जो एग्जाम्पल्स हम कॉमनली पढ़ते हैं वो है मेज, भुट्टे के बारे में। भुट्टा जो होता है नॉर्मली येलो कलर का होता है कॉर्न, पर ट्रांसपोजॉन्स होने की वजह से कभी कभी उसका वॉयलेट कलर का भी भुट्टा होता है, रेड कलर का भी भुट्टा होता है, या उसका एक ही दाना येलो से रेड हो जाएगा, वो सारी चीजें देखने मिलती है। मेज का साइंटिफिक नेम क्या है, तो हम कहते हैं जी मेज, ठीक है। जी मेज इज नथिंग बट 50% ऑफ दी टोटल जीनोम, याद रखना जी मेज क्या है, 50% ऑफ दी टोटल जीनोम इज ट्रांसपोजॉन्स। सबसे ज्यादा ट्रांसपोजॉन्स अगर कहीं पे मिला है तो भुट्टे के अंदर पाया गया। अच्छा, इसके बारे में किसने पढ़ा, सो देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम ऑफ बारबरा मैक्लिंटॉक, इन्होंने जो है सबसे पहला इसके बारे में रीड किया और पूरा ट्रांसपोजॉन्स के बारे में बताया इन 1948, जिस वजह से इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया। कहाँ से इन्होंने पढ़ाई की, तो भाई न्यूयॉर्क सिटी है, इट इज कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, न्यूयॉर्क सिटी में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की। एंड फाइनली शी गॉट अ नोबेल प्राइज फॉर दिस इन द ईयर 1983। ट्रांसपोजॉन्स होते हैं। अच्छा, मैक्सिमम ट्रांसपोजॉन्स कहाँ पाए जाते हैं, तो याद रखना मैक्सिमम ट्रांसपोजॉन जो है आपको मिलता है बैक्टीरिया के अंदर।
बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा मिलेगा। क्या ह्यूमंस में भी होते हैं? तो डेफिनेटली द आंसर इज यस, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होता, लेस किस में मिलेगा आपको? ह्यूमंस में मिलेगा। तो इसके बारे में भी जरा देख लेते हैं, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हम हेडिंग डाल देते हैं ट्रांसपोजॉन्स। दूसरा, अब यहाँ पे पहला हम बैक्टीरिया के बारे में बात कर लेंगे, आफ्टर बैक्टीरिया वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ह्यूमंस। तो जैसे ही आपने ट्रांसपोजॉन्स की बात की, याद रखना ये जंपिंग जीन है जो एक जीनोम से दूसरे जीनोम में जंप करता है, और बैक्टीरिया में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं क्योंकि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बनाने के काम में आते। सो लेट्स टेक फॉर बैक्टीरिया। इसके अंदर होता क्या है? इसके अंदर आप याद रखिएगा, ट्रांसपोजॉन्स जंप फ्रॉम क्रोमोसोमल डीएनए, बेसिकली जंप फ्रॉम द क्रोमोसोमल डीएनए टू प्लाज्मिड एंड बैक। मतलब क्रोमोसोमल डीएनए और प्लाज्मिड में वो क्या करता है, जंप करते रहता है इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर, वैसी वाली कहानी है। तो किस काम में आता है? तो वी कैन से इट अलाउज टू ट्रांसफर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो आप जितना चाहो उतना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन बना सकते हैं। पहले क्या होता था कि डॉक्टर्स जो है बहुत सारी दवाइयां देते थे, हरे कलर की, पीले कलर की, नीली कलर की खाने के लिए, क्योंकि तो वो एक दवा एक ही बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक का काम करता था, इसलिए 10-15 देते थे ताकि किसी एक जगह पे जाकर के वो दवा असर करे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है, अब जो है एक ही गोली से काम हो जाता है, क्योंकि अब जितनी दवाइयां बन रही हैं सब मल्टीपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, इसी के लिए एक ही में आपको मैक्सिमम जो है रेजिस्टेंस मिल जाता है। ये इट इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ ट्रांसपोजॉन्स, ये बात ध्यान रखना। सो मल्टीपल एंटीबायोटिक resistant gene can be created, ये बात आप ध्यान में रखिए। अच्छा, humans की अगर आप बात करोगे तो humans में भी repetitive DNA sequence है, तो हम कहते हैं repetitive DNA sequence are present। तो हमारे अंदर भी है, आप ऐसे भी इंसान देखे होंगे जिसकी एक आंख ब्लू रहेगी एक आंख ग्रे रहती है, और या फिर एक आंख का आधा हिस्सा ब्लू और आधा ग्रे, तो ट्रांसपोजॉन्स की वजह से है। ठीक है, कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोजॉन्स, कॉमन फॉर्म ऑफ ट्रांसपोजॉन्स इन ह्यूमन कौन सा है? तो हम कहते हैं ALU जीन। एक बात याद रखना, इसको ALU जीन के नाम से जाना जाता है, और ये ALU जीन जो है 300 बेस पेयर के होते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU जीन? सो रिमेंबर इट इज आर्थ्रोबैक्टर लूटियस। और इस तरीके से ट्रांसपोजॉन्स जो है यहाँ पे आ जाते हैं पूरे ह्यूमंस वाले। अब टाइप्स की अगर आप बात करोगे ना, तो ये टाइप्स ऑफ ट्रांसपोजॉन्स भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलो उसके बारे में भी बात कर ले। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोजॉन्स, जैसे आप टाइप्स की बात करोगे तो दो टाइप के होते हैं, एक जिसमें आरएनए इंटरमीडिएट इन्वॉल्व है और एक जिसमें आरएनए इंटरमीडिएट इन्वॉल्व नहीं है। सो लॉजिकली जैसे आपने कह दिया टाइप ऑफ ट्रांसपोजॉन, तो इस टाइप में एक कहलाएगा रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स पहला, दूसरा जो है वो कहलाता है डीएनए ट्रांसपोजॉन्स। रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे आरएनए इंटरमीडिएट बनेगा, और डीएनए ट्रांसपोजॉन्स में आरएनए नहीं होता, सिर्फ डीएनए होता। मतलब इसमें रेट्रो में डीएनए और आरएनए दोनों आएंगे, पर डीएनए में सिर्फ डीएनए आता है। जो रेट्रो ट्रांसपोजॉन्स है ये कॉपी एंड पेस्ट मैकेनिज्म पे चलता है,
और जो डीएनए ट्रांसपोजॉन्स है बेसिकली वो कट एंड पेस्ट मैकेनिज्म पे चलेगा, पर यहां पर ट्रांसपोजॉन्स के लिए जो एंजाइम काटता है उसका नाम है ट्रांसपोजेस। ट्रांसपोजेस इज दैट एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल है इन सारी चीजों के। अब इसके बाद जो है हमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ चलना है, जिसको आप सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स का भी नाम दे सकते हो। तो सवाल ये उठता है कि जो भी डीएनए आपने सेपरेट किया उसका अब होगा क्या? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यू टुक द डीएनए, अब आपने डीएनए ले लिया, ठीक है, अब इसी डीएनए को आपने क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम से काट दिया, ये सब छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में बन गया। ये सब डीएनए कैसे हो गए, फ्रेगमेंट्स में। हमें क्या करना है, इस फ्रेगमेंट में से कुछ पीस को सेपरेट करना है, लेकिन उसको सेपरेट करने के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट टेक्निक फॉलो करना पड़ेगा। दैट टेक्निक इज कॉल्ड एज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। बात ध्यान में रखिए, जेल इलेक्ट्रो फोरेसिस नाम की टेक्निक से करना पड़ेगा। तो ये जेल इलेक्ट्रो फोरेसिस होता क्या है, तो अगर मैं आपको बता दूं, बेसिकली इसमें एक जेल का इस्तेमाल किया जाता है, अगारोस जेल है। तो इस जेल में ऐसे कुएं होते हैं ढेर सारे। अब इसके अंदर आप क्या कर दो, अपना डीएनए लोड कर दो। तो जैसे ही आपने डीएनए लोड कर दिया, देखो निगेटिव टर्मिनल पे डीएनए लोड करना और पॉजिटिव, तो जो करंट है बेसिकली वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होगा। करंट नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होता है, तो इससे क्या होता है, इसके अंदर का जो भी डीएनए का ये फ्रैगमेंट्स हमने डाले हुए हैं, ये सब अपने मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से सेपरेट हो जाते हैं। जो सबसे नीचे होगा वो सबसे छोटा वाला फ्रेगमेंट होता है, ये बात ध्यान रखना। लोअर मोस्ट जो सबसे नीचे है वो तो सबसे छोटा डीएनए है, इट इज द स्मॉलेस्ट डीएनए, जेल से अंदर से निकल के आ गया। अगर लोअर मोस्ट जो है सबसे छोटा है, मतलब इट हैज वेरी लो मॉलिक्यूलर वेट। वही जो सबसे ऊपर है, अपर मोस्ट कह लो, वो सबसे भारी वाला, बड़ा था तो नीचे तक नहीं आया, तो हम कहते हैं इट इज लार्जर डीएनए। और ये जो लार्जर डीएनए है इट हैज हाई मॉलिक्यूलर वेट। अब ऐसे आपने सेपरेट कर लिया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करके, अब आपको ढूंढना है उसमें जीरो ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो मान लो ये जो ग्रीन वाला है यही मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो मैं क्या करता हूं, जेल में से सिर्फ इतना सा टुकड़ा काट के बाहर निकाल लेता हूं। ओनली दिस पीस ऑफ डीएनए इज रिमूव। ये देखो, ये इस तरीके से हमें एक डीएनए मिल गया। ये जो डीएनए मिला जो आपने काट के निकाला जेल को, हम कहते हैं कट दी जेल इन पीस। तो इस टेक्निक को आप क्या कहते हो, इसको नाम दिया गया एल्यूशन। एल्यूशन मतलब जो भी डीएनए फ्रेगमेंट आपके काम का है उतना ही पीस ऑफ डीएनए को काटो, और काट के निकाल के आप क्या कर लो, इसका इस्तेमाल कर लो। अच्छा, एक और खास बात, ये तो एल्यूशन वाली टेक्निक की बात हो गई, ठीक है, सेपरेट बैंड अगारोस जेल से आप काट के निकाल दो। यहां पर जो है कुछ केमिकल्स का भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देर इज समथिंग कॉल्ड एज इथिडियम ब्रोमाइड। इथिडियम ब्रोमाइड एक ऐसा केमिकल है, जब आप डीएनए में लगा देते हो और ये पूरी तरह से जेल में सेपरेट हो जाता है डीएनए, तो उस जेल को आप क्या करो, अल्ट्रा वायलेट लाइट के नीचे रखो, तो ये ग्लो करता है, फ्लोरेसेंट ऑरेंज कलर में ग्लो हो जाएगा। तो उससे क्या होता है, आपको पूरा डीएनए स्ट्रैंड एक प्रॉपरली अच्छे तरीके से दिखता है। सो इथिडियम ब्रोमाइड इज दैट, ठीक है। देयर इज वन मोर केमिकल व्हिच इज यूज्ड, इसको ईडीटीए कहते हैं, दिस इज नथिंग बट इथिलीडीन डायमाइड टेट्रा एसिटिक एसिड, इसको इथिलीडीन डायमाइड टेट्रा एसिटिक एसिड के नाम पे दिया गया। तो इस तरीके से जो भी डीएनए आपने काटा आप क्या करते हो, सेपरेट करते हो और उसकी स्टडी करते हो। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि तो इसी के ऊपर पूरी बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड है। इसको हम कहते हैं क्लोनिंग वेक्टर। वेक्टर वो होता है दैट हेल्प्स इन कैरिंग, जो आपको आपके जीन ऑफ इंटरेस्ट को एक जगह से दूसरी जगह लेकर के जाता है, उसे आप क्या कहते हो, वेक्टर, ठीक है।
इनकी खासियत क्या है, कुछ तो प्रॉपर्टीज इनमें होनी चाहिए। तो क्लोनी वेक्टर के नाम पे सबसे पहला जो है वो हम प्लाज्मिड लेते हैं, दूसरा वेक्टर जो हम पढ़ते हैं बेसिकली वो है कॉस्मिड, और तीसरा जो यूज किया जाता है वो है बैक्टीरियोफाज। अब आप सोच रहे हो कि सर एक ही से काम क्यों नहीं हो पा रहा है, तीन तीन क्यों बनाया जा रहा है। उसका रीजन बहुत सिंपल सा है, प्लाज्मिड में आप छोटा डीएनए खाली क्लोन कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं, कॉस्मिड में थोड़ा सा बड़ा, ठीक है, लार्ज डीएनए, और बैक्टीरियोफाज में वेरी लार्ज डीएनए, ठीक है। तो बड़ा डीएनए छोटा डीएनए ऐसे क्लोनिंग की जा सकती है बाय यूजिंग दिस। हमें प्लाज्मिड के बारे में पहले डिटेल में पढ़ना है कि प्लाज्मिड होता क्या है, क्या क्या चीजें उसमें जरूरी है। तो लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट अबाउट प्लाज्मिड। चलो प्लाज्मिड के बारे में बात करें, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट क्लोनिंग वेक्टर, इसके बिना तो शायद बायोटेक्नोलॉजी में कुछ हम कर भी नहीं पाते। ये था करके आज हम कोई भी जीन को निकाल के आराम से क्लोनिंग ढेर सारा करके रख लेते हैं। एवरीथिंग इज पॉसिबल ओनली बिकॉज ऑफ प्लाज्मिड। तो जैसे ही आपने प्लाज्मिड का नाम लिया तो प्लाज्मिड का क्या डेफिनेशन बनेगा, तो आपको याद रखना इट इज स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, इट इज स्मॉल एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। ये एक्स्ट्रा है, स्मॉल है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए है। इसकी खास बात क्या है, इट रेप्लिकेट्स ऑन इट्स ओन, मतलब ये सेल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है कि सेल रेप्लिकेट होगा तो मैं रेप्लिकेट करूंगा, ऐसी कहानी कुछ भी नहीं है। और दूसरी खास बात क्या है, इस प्लाज्मिड को निकालने के लिए हमें बैक्टीरिया को मारना पड़ता है, तो इसका जवाब है नहीं, आपको बैक्टीरिया को मारने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये अपने आप ही बैक्टीरिया कैन सर्वाइव विदाउट प्लाज्मिड। तो याद रखना मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया कैन सर्वाइव विदाउट प्लाज्मिड, तो अगर आपने उसका प्लाज्मिड निकाल भी लिया ना तो मरने वाला नहीं है, वो आराम से उसके अंदर जिंदा रह सकता है, ठीक है। ये नेचुरली कहाँ पाया गया, तो ज्यादा करके बैक्टीरिया में ही मिलता है प्लाज्मिड, नेचुरली इट इज इन बैक्टीरिया, रेयरली, रेयरली मतलब ना के बराबर, रेयरली इट इज फाउंड इन, रेयरली इट इज फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स में होते नहीं है, रेयरली जो है कभी कभार पाया गया है। जब आप प्लाज्मिड का बात करोगे तो इसको किस साइंटिस्ट ने दिया, सो देयर वाज अ साइंटिस्ट इन द नेम ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जोशुआ लेडरबर्ग, प्लाज्मिड वाज गिवन बाय अ साइंटिस्ट जिनका नाम है, वही का मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट, क्या नाम है इनका, इनका नाम है जोशुआ लेडरबर्ग। तो जोशुआ लेडरबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने जो है सबसे पहले इसके बारे में बताया, सो जोशुआ लेडरबर्ग ने बताया, कब बताया बेसिकली, तो समझ लो 1952 में, और उन्होंने क्या कहा कि जो साइज होता है प्लाज्मिड का वो 1 से 1000 किलो बेस पेयर तक का होगा, किलो बेस पेयर। दूसरा इसका दूसरा नाम क्या है, तो याद रखो ये नीट में पूछा जा चुका है क्वेश्चन, इट इज कंसिडर्ड एज, प्लाज्मिड का दूसरा भी नाम है, इट इज कंसिडर्ड एज ट्रांसफरेबल जेनेटिक एलिमेंट, इट इज कंसिडर्ड एज ट्रांसफरेबल जेनेटिक एलिमेंट, या इसका एक और नाम रेप्लिकॉन, तो इसे आप ट्रांसफरेबल जेनेटिक एलिमेंट्स कह लो या तो रेप्लिकॉन्स का नाम दे दो आपके ऊपर, ठीक है। प्लाज्मिड का एक ही ड्रॉबैक है कि प्लाज्मिड कैन एकोमोडेट स्मॉलर फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, बड़ा फ्रैगमेंट को क्लोन अगर आपको करना होगा तो उसके लिए आप दूसरा वेक्टर का यूज करोगे, ठीक है। तो अच्छा कितना है लेंथ का डीएनए, तो हम कह सकते हैं
इट इज अप्रोक्सीमेटली 15 किलो बेस पेयर, 15 किलो बेस पेयर तक का होता है। अच्छा, अगर आपको इससे बड़ा चाहिए, मतलब मान लो ये छोटा वाला नहीं चाहिए, मुझे बड़ा डीएनए क्लोन करना है, तब आप ना कॉस्मिड का इस्तेमाल कीजिए। प्लाज्मिड ना यूज करके क्या यूज करोगे? कॉस्मिड। तो कॉस्मिड होता क्या है, हम यहाँ पर कॉस साइट निकालते हैं इसके अंदर से, लामडा फाज से, ये बैक्टीरियो फाज है, वायरस है, प्लस प्लाज्मिड इसको जोड़ देते हो। इसको जोड़ने से जो है थोड़ा सा मोर देन 15 किलो बेस पेयर का डीएनए आप क्लोन कर सकते हैं। तो प्लाज्मिड में याद रखो 15 किलो बेस पेयर से कम, कॉस्मिड में 15 किलो बेस पेयर से ज्यादा। तो ये बेसिकली प्लाज्मिड है। सवाल उठता है किसी भी प्लाज्मिड के अंदर ऐसी क्या खासियत होनी चाहिए जो उसको हम एज अ वेक्टर यूज कर सके। सो प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मिड, तो चलो एक प्रॉपर्टीज देख लें। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। आपको ये समझना है कि कैसे हम जो है इस प्लाज्मिड को लेकर के आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और चीजें फुलफिल हो जाएंगी। ठीक है, तो लेट्स सी दी प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मिड। सबसे पहला एक इंपॉर्टेंट चीज जो इसके पास होना चाहिए वो है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अगर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन नहीं है तब वो डीएनए रेप्लिकेशन है कुछ भी कर नहीं सकता है। दूसरा चीज क्या चाहिए इसको, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके अंदर गया है या नहीं गया है वो आपको एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन से ही पता चलेगा। तो बेसिकली दिस एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन इज एक्टिंग एज अ सिलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, और तीसरा जो है बेसिकली जगह चाहिए फॉरेन डीएनए टू बी क्लोन। सो दीज आर दी वेरी बेसिक प्रॉपर्टीज जो हम सबको प्लाज्मिड में पता होना चाहिए। अच्छा, इसके बाद जो है ना एक और पार्ट करते हैं, फिर एक्चुअल प्लाज्मिड जो आपके बुक में दिया उसको भी देखते हैं। प्लाज्मिड का नॉमेनक्लेचर करना जरूरी है, क्योंकि इंसान की सबसे खास बात यह है कि जो भी उसके इंटेलिजेंस में आया सबसे पहला उसने क्या किया, उसका नामकरण किया, नॉमेनक्लेचर। तो नॉमेनक्लेचर वाइज अगर आप जाओगे तो एक हम ये लिख लेते हैं, देखो पी बी आर 322 पी यू सी, ये दो एग्जांपल्स हम लेके चल रहे हैं। पी जो है लोअर केस है, ये ध्यान रखना, लोअर केस। लोअर केस का मतलब छोटा अल्फाबेट। सो लोअर केस पी इंडिकेट्स प्लाज्मिड, ये हो गया। फिर ये अपर केस है, ये दोनों के दोनों, नेक्स्ट जो है अपर केस आता है यानी कैपिटल लेटर। अपर केस में बेसिकली ना यहाँ पे साइंटिस्ट का भी नाम हो सकता है या फिर प्लेस का भी नाम हो सकता है जहां पे ढूंढा गया हो। तो यहाँ पर बी आर है ना, तो साइंटिस्ट का नाम है, इट इज बॉलीवर एंड रॉड्रिक्स। बॉलीवर और रॉड्रिक्स जो है ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बेसिकली पीबीआर 322 को ढूंढा था। और लास्ट में 322 क्या है, सो इट इज बेसिकली द नंबर गिवन बाय वर्कर। तो इस पीबीआर 322 को ढूंढने के लिए जो भी वर्कर्स थे उन्होंने साथ में मिलकर एक नंबर दे दिया। अब वो नंबर जो है इन्होंने पीबीआर 322 दिया, 322 क्यों दिया उन्हीं को पता है, हो सकता है नंबर ऑफ वर्कर्स उतने रहे हो या उनका कोई लकी नंबर रहा हो वो हिसाब से। अच्छा, पीयूसी का पी क्या है, तो हमने कह दिया प्लाज्मिड। यूसी क्या है, यूसी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ये बात ध्यान रखना, इट इज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, दैट इज पीयूसी। तो ये जो है बेसिक जनरल प्रॉपर्टीज है जो हम सबको आनी चाहिए। अब जो है हम क्लोनिंग वेक्टर को नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट की तरफ लेकर के चलते हैं और उसको समझने की हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो क्लोनिंग वेक्टर में अपने पास फाज है और प्लाज्मिड है। कुछ प्लाज्मिड के अपनी कॉपीज होते हैं, कुछ 15 से 100 कॉपीज भी हो सकते हैं, ठीक है, डिपेंड करता है। अब यहां पर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आएगी वो है द रिक्वायरमेंट्स, मतलब फीचर्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर क्लोनिंग वेक्टर। चलो उसको भी देख लें, फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। सबसे पहला फीचर तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि इट मस्ट हैव ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। बिना ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के ये पॉसिबल नहीं है
किसी भी वेक्टर को रेप्लिकेट कर पाना, क्योंकि जब दरवाजा ही नहीं रहेगा घर में तो तुम निकलोगे कहां से। तो ये जो क्लोनिंग वेक्टर है बेसिकली दरवाजे का काम था। जस्ट रिमेम्बर दिस, इट इज एक्टिंग लाइक अ डोर। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को सबसे पहला फीचर माना गया है और इम्पोर्टेंट फीचर, इट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट वन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसको ना ORI के भी नाम से जानते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो दूसरा क्या होता है, दूसरा है अपने पास सिलेक्टेबल मार्कर, वो मार्कर जिससे हमें पता चलता है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा गया है या नहीं गया है। बेसिकली जिस प्रोसेस से इंट्रोड्यूस किया जाता है उसे आप ट्रांसफॉर्मेशन का नाम देते हो, ट्रांसफॉर्मेशन। इन एडिशन टू ORI द वेक्टर रिक्वायर्स अ सिलेक्टेबल मार्कर। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, प्रोसीजर है जिससे आप जीन ऑफ इंटरेस्ट को डाल देते हो। अच्छा, सिलेक्टेबल मार्कर्स में हम क्या क्या यूज कर सकते हैं नॉर्मली, तो बहुत सारे हैं। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, फर्स्ट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। तो इसमें एम्पीसिलिन हो सकता है, और इवन इट देर कैन बी टेट्रासाइक्लिन, ठीक है, एम्पीसिलिन है, टेट्रासाइक्लिन है, और इवन यू कैन मेक यूज ऑफ क्लोरामफेनिकॉल। ये सब जो है सिलेक्टेबल मार्कर्स का काम कर रहे हैं। इवन यू कैन यूज टेट्रासाइक्लिन, फिर कैनामाइसिन, ऐसे बहुत सारे हैं। ये एंटीबायोटिक डाला ही इसलिए जाता है ताकि हमें पता चल सके हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट गया है या उसमें नहीं गया है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है क्लोनिंग वेक्टर का, वो क्या है, क्लोनिंग साइट। आप कहीं पर भी इंट्रोड्यूस करके क्लोनिंग नहीं करा सकते, ध्यान में रखना, उसका एक प्रॉपर जगह है और उसी जगह से आप क्या कर सकते हो, क्लोनिंग कर सकते हो। तो ये जो है, ये सारे बेसिक क्या बन गया, फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज क्लोनिंग वेक्टर। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ईकोलाई, एस्करिशिया क्लोनिंग वेक्टर। हम ज्यादा करके ईकोलाई को ही यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इसका पूरा जीन सीक्वेंस हमें पता है, इसलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये दिखता कैसे है, क्या कैसे है, तो इसके लिए हमें एक छोटा सा क्या करना पड़ेगा, पहले वेक्टर बनाना पड़ेगा। तो हम ये बना लेते हैं, मान लो ये जो है एक बन गया, इसको डबल करना पड़ेगा, तो हम इसको ऐसे ले लेते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये इस तरीके से दिखेगा कुछ। तो अब इसको जो है हमें क्या करना है, अलग अलग पोर्शन में करना है। तो यहाँ पे सेंटर में पहली चीज तो आप ये इसे लिख दो कि ये जो हम पढ़ रहे हैं कुछ और नहीं है, क्या है, PBR 322 है, प्लाज्मिड दैट वाज गिवन बाय बॉलीवर एंड रॉड्रिक्स 322। यहाँ पर सबसे पहला हम ये बना देते हैं, ये इसे आप कहते हो, और यहाँ पे थोड़ा सा आगे ये आ जाएगा। सो दिस एरिया व्हाट यू कैन सी इज कॉल्ड एज ORI, इसको आप कहते हो ROP। पॉइंट ये है, व्हाट डज दिस ORI मींस, तो रिमेंबर ORI इज नथिंग बट इट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, इट इज द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। फिर ROP आता है, तो ये आ गया ROP। ROP क्या होता है, बेसिकली इट स्टैंड्स फॉर रिप्रेसर ऑफ प्राइमर, जो भी प्राइमर होगा उसको रिप्रेस करने का काम ये करता है। इसी ROP के अंदर आपको एक जीन ऑफ इंटरेस्ट भी मिलता है, ये देखो यहाँ पे ना एक एंटीबायोटिक जीन भी है, देखो ये जो ग्रीन कलर हमने कर दिया, दिस इज इंडिकेटिंग जीन। तो ये कौन सा जीन है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं PVU2। अब PVU2 क्या होता है, तो ये है प्रोटियस वल्गैरिस स्ट्रेन 2, और इसी के जस्ट आप यहाँ पे आ जाओ, आप यहां से लेकर के यहां तक, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। ये जो है ना, ये पूरा यहाँ पर
आपको मिलेगा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। मतलब ये जीन जब तक इस प्लाज्मिड में है, इस पर्टिकुलर प्लाज्मिड को एम्पिसिलिन के मीडियम में नहीं मारा जा सकता। रीजन इज वेरी मच सिंपल, क्योंकि उसके पास एम्पिसिलिन को रेजिस्ट करने वाला जीन प्रेजेंट है। अब इसमें बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होंगी, तो सबसे पहला जो है हम ये ले लेते हैं। चलो ये एक पिंक वाला एक बन गया। उसके बाद जो है हम यहाँ पे एक दूसरा ले लेते हैं, ब्राउन वाला। ये सब है क्या? तो पहले पिंक वाला जो है इसको पीएसटी वन कहते हैं। दिस इज अ जीन कॉल्ड एज पीएसटी वन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीएसटी? तो याद रखना इट इज प्रोविडेंशिया स्टुअर्टाई। प्रोविडेंशिया स्टुअर्टाई जो है इस जीन का नाम है। फिर आता है ब्राउन कलर वाला, ये पीवीयू वन है। सो पीवीयू वन, तो इसको हमने अभी थोड़ा टाइम पहले देखा हुआ है। पीवीयू स्टैंड्स फॉर प्रोटियस वल्गैरिस वन, तो ये भी इसका फुल फॉर्म आ गया यहां पर, प्रोटियस वल्गैरिस वन। इसके बाद जो है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो ये है यहां, यहां से लेके यहां तक भी एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, जिसको आप टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन कहोगे। याद रखना दिस इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। सो द मोमेंट यू गो फॉर टेट्रासाइक्लिन, तो सबको पता है कि ये प्लाज्मिड को अब आप टेट्रासाइक्लिन वाले मीडियम में रखो, मरेगा नहीं, क्योंकि इसके पास टेट्रासाइक्लिन को सहने के लिए शक्ति है। ये टेट्रासाइक्लिन को सह सकता है, दैट इज व्हाट इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। अब यहां पर और भी चीजें कुछ आएंगी, तो हम इसको ऐसे देख लेते हैं। पहले यहाँ पे दो जीन आएगा जो अपने को पढ़ना है। तो एक मान लो यहाँ पर है ये ब्लू वाला, एक मान लो ये ग्रीन वाला। तो इन सब का नाम क्या है अब उसको समझते हैं। सबसे पहला ब्लू वाला देख लेते हैं। इसमें जो जीन है वो है सेल वन। सेल वन, सेल का फुल फॉर्म क्या है? तो हम कहते हैं इट इज स्ट्रेप्टोमाइसिस अल्बस। स्ट्रेप्टोमाइसिस अल्बस जो है ये आपका बन जाता है सेल वन। फिर ये ग्रीन वाला जो है जिसको आप कहते हो बाम एच वन का फुल फॉर्म क्या है? तो हम कहते हैं इट इज बैसिलस अमाइलोली क्यूफेशियल। Bacillus amyloli cufaceae, ये आपका बन गया बाम एच वन। अब यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हम सबको आनी चाहिए। हियर यू हैव टू मोर रिसेप्टर्स प्रेजेंट, ऐसे ये एक तरफ का रिसेप्टर क्या है? तो यहां पर भी एक जीन है, चलो एक जीन यहां पर भी ले लेते हैं। So this gene is nothing but it is EcoR1. ये सबको पता है कि Escherichia coli R1 है। This is CLA1. CLA1 क्या होता है? It is Caryophenol latum. तो CLA क्या है? We say it is Caryo. Spelling जरा बराबर लिख दूँ। It is Caryophenol latum. दूसरा जो है अपने पास यहां पर ये है HIND3, और HIND3 का फुल फॉर्म क्या है? याद रखना इट इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजे। दिस इज व्हाट यू शुड नो अबाउट द क्लोनिंग वेक्टर। यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मालूम है? वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अगर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है तब ये प्लाज्मिड जो है हर जगह पे सरवाइव कर सकता है। और हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके अंदर गया है या नहीं गया है बेसिकली ये हमें बाद में पता चलता है। तो देखो बाम एच वन इज रेजिस्टेंट टू टेट्रासाइक्लिन, यहाँ पे फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं, AMPR लिखा, मतलब हो गया एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन। ये रेजिस्टेंट किसको है? एम्पीसिलिन को है। दूसरा आपने अगर लिखा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ये भी एक तरह का होता है,
इसे हम कहते हैं टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट जो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स हैं, और यही जीन की वजह से जो है प्लाज्मिड जिंदा रहता है। इसीलिए देखो कभी कभी हम दवाइयां भी खाते हैं पर दवाइयां काम नहीं करती, क्योंकि वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया माइट भी उस दवा के लिए रेजिस्टेंट हो। तो दिस इज ऑल व्हाट यू शुड नो अबाउट द क्लोनिंग वेक्टर। ये सारी चीजें आपको ई कोलाई से रिलेटेड आना चाहिए एज अ क्लोनिंग वेक्टर। तो ये पूरा क्लोनिंग वेक्टर के बारे में हो गया, और एग्जांपल क्या है PBR322। सो नेक्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड रोल ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है वो किस काम में आता है? तो बेसिकली ये हेल्प करेगा टू फाइंड आउट रिकॉम्बिनेंट्स एंड नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब इस पूरी कहानी को अगर आपको समझना है तो मैं एक सिंपल स्पष्ट शब्दों में समझाता हूँ, बहुत इजी है अगर वो टेक्निक आपको आ गई तो। हम एक एग्जांपल यहाँ पे लेंगे और उसी एग्जांपल के सहारे जो है पूरा आगे हम बढ़ेंगे। वेरी फर्स्ट रिमेम्बर दिस, मान लो ये एक प्लाज्मिड है, इसके पास एम्पिसिलिन का रेजिस्टेंट जीन है पर टेट्रासाइक्लिन का नहीं है। मैंने क्या किया, एक डीएनए लिया, ये मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, और मैं इसी के अंदर जो है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी डाल दे रहा हूँ एंटीबायोटिक वाला। मतलब मेरे काम का तो डीएनए इतना ही है पर उसके अंदर मैंने क्या किया टेट्रासाइक्लिन भी डाल दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इन दोनों को एक साथ लाके मर्ज कर रहा हूँ। तो जब मर्ज होगा तो कहानी देखो ऐसे हो जाएगा, ये हो गया प्लाज्मिड आपका, यहाँ पे क्या है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, और इसमें जो है क्या आ गया आपका डीएनए, देखो ये आपका डीएनए ऑफ इंटरेस्ट आ गया, और उसी के साथ क्या है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी है। अब इस प्लाज्मिड को हम क्या करेंगे, एक मीडियम में ग्रो करते हैं। अब इसको आप क्या करते हैं, एक मीडियम में डाल दो, मतलब इसको पहले तो होस्ट में डालोगे, ठीक है, इस प्लाज्मिड को आप क्या कर दोगे होस्ट में डाल दोगे, ई कोलाई में डाल दिया आपने। अब कोई गारंटी नहीं है कि सारे प्लाज्मिड में आपका जीन ऑफ इंटरेस्ट टेट्रासाइक्लिन वाला चिपकी जाएगा, ये बात ध्यान में रखना। आप क्या करते हो, इस मीडियम के अंदर आप दो एंटीबायोटिक डालते हो, एक आप डालोगे एम्पिसिलिन, दूसरा आप डाल देते हो टेट्रासाइक्लिन। अब जिस किसी भी ई कोलाई के अंदर, ध्यान से समझना, आपने होस्ट में डाल दिया, तो होस्ट है आपका ई कोलाई, तो थोड़ा सा मोटा कर लेते, मान लो ये ई कोलाई आपका बैक्टीरिया है, ठीक है, ये ई कोलाई क्या है आपका बैक्टीरिया है। तो होगा ये कि कुछ ई कोलाई में आपका ये जीन ऑफ इंटरेस्ट गया होगा, कुछ में नहीं गया होगा। तो जिसमें गया होगा ये दोनों में जैसे गया है तो ये दोनों जिंदा रह जाएंगे सर्वाइव, क्योंकि टेट्रासाइक्लिन भी है और एम्पिसिलिन भी है, लेकिन ये दोनों मर जाते हैं। व्हाई, क्योंकि एम्पिसिलिन को रेजिस्टेंट है, टेट्रासाइक्लिन को रेजिस्टेंट ये नहीं है। तो इससे मुझे ये समझ में आ गया कि जो मेरे सरवाइव कर गए ई कोलाई वो सब ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स हैं, ट्रांसफॉर्म्ड सेल्स, और जो नहीं हुआ बेसिकली वो सब नॉन ट्रांसफॉर्म या नॉन रिकॉम्बिनेंट कहेंगे। तो इस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट उसमें गया है या नहीं गया है। इसमें एक और एग्जांपल है, इनएक्टिवेटेड टू इनएक्टिव इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करके एक टेक्निक है, उसको भी देख लेते हैं, कॉल्ड एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। मतलब आपने क्या किया, एक जीन को इंसर्ट करके दूसरे जीन को इनएक्टिवेट कर दिया है, इसी को हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का नाम देते हैं। तो ये एक टेक्निक है जिसके थ्रू आप अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को क्या कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो कि वो गया है या नहीं गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक। तो चलो इसके बारे में भी बात करते हैं थोड़ा सा, इंसर्शन इनएक्टिवेशन होता क्या है। तो इसमें ना लैक जेल का काम आएगा ऊपर, ये वाला जो आपने देखा, ये वाला जो पहली टेक्निक थी
तो जो फर्स्ट टेक्निक आपने देखा ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाली टेक्निक थी, ठीक है। सो इट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन टेक्निक। ये तो हो गया खत्म। अभी इंसर्शनल इनएक्टिवेशन में क्या होता है, यहां पे एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन का यूज किया जाएगा, ध्यान में रखना। यहां पे क्या यूज किया जा रहा है, एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन। तो यहां पे याद रखो एक लैक जेड है, अगर आपने लैक ऑपेरॉन पढ़ा हो तो उसके अंदर ये आता है, लैक जेड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कोडिंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। एक सबस्ट्रेट है मान लो एक्स गैल, जिसका नॉर्मल कलर है व्हाइट। अब इस व्हाइट कलर वाले एक्स गैल में मैंने बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाम का एंजाइम डाल दिया, तो जो रिएक्शन होके जो प्रोडक्ट मिलेगा बेसिकली वो प्रोडक्ट क्या हो जाता है, ब्लू। मतलब बीटा गैलेक्टोसाइडेज अगर प्रेजेंट है, द कलर इज गोइंग टू चेंज फ्रॉम व्हाइट टू ब्लू। तो ये इंपॉर्टेंट है, और ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज जीन टू कोडेड है। अगर किसी कारण से ये म्यूटेट हो जाए तो अब आप सोच रहे हो कैसे होगा। ये देखो ये आपका जीन है, ये पूरा हिस्सा जो है बेसिकली लैक जेड है, दिस इज लैक जेड। अब इसी लैक जेड जब ये ऐसा है नॉर्मल ना, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज आएगा ही आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जीन प्रॉपर फंक्शन काम कर रहा है। लेकिन दूसरे कंडीशन उन्होंने क्या कर दिया, देखो ये लैक जेड में उन्होंने बीच में काट के जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, मतलब ये ब्लू वाला आ गया, तो आधा जो है आपका ब्लैक हो गया, आधा ब्लू हो गया और आधा फिर ब्लैक हो गया। तो ये जो आ गया ये क्या है, जीन ऑफ इंटरेस्ट। अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट आ गया मतलब लैक जेड के जीन को तोड़ करके बीच में दूसरा जीन डाल दिया, तो इस वजह से अब यहाँ पे कोई बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं आएगा। सो देयर इज नो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नाउ। और अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं आया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्स गैल है वो व्हाइट का व्हाइट ही रह जाएगा, ये कभी ब्लू नहीं होगा, रिमेन्स व्हाइट ओनली। दिस इज कॉल्ड एज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। आपने एक जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंसर्ट करके ब्लैक जेड जीन को क्या कर दिया, इनएक्टिवेट कर दिया। और ये इनएक्टिवेट अगर हो गए तो जो एक्स गैल है जो बेसिकली केमिकल है वो व्हाइट से ब्लू होने वाला नहीं है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल टेक्निक, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन टेक्निक कहते हैं, जिसके थ्रू ये चीजें हमें पता चलती है। नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा वो है वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो इसके बारे में बात कर लें पहले, फिर आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपना क्या है, वेक्टर्स फॉर क्लोनिंग जीन्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स को क्लोन करने के लिए हम किस वेक्टर का यूज कर रहे हैं, वो चीजें आती है। तो यहाँ पे फिक्स्ड है, ऐसे कोई भी रैंडम हम नहीं यूज कर सकते, ये बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। देयर इज ऑलवेज अ फिक्स्ड टेक्निक कि हाँ ये अगर होस्ट है तो वेक्टर यही हो सकता है, दूसरा कोई वेक्टर इसमें हो नहीं सकता। तो ये बेसिक चीजें हैं जो आपको आनी जरूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है हम प्लांट की बात करेंगे। प्लांट के अंदर ना एक स्पेशल बेसिकली एबिलिटी है, तो द क्वेश्चन कम्स हियर, हाउ टू डिलीवर जीन टू ट्रांसफॉर्म यूकैरियोटिक सेल एंड फोर्स देम टू डू व्हाट बैक्टीरिया और वायरसेस वांट। ठीक है, दो क्वेश्चन हमेशा अटक रहा था। पहला क्वेश्चन ये था, हाउ टू डिलीवर जीन्स टू ट्रांसफॉर्म यूकैरियोटिक सेल। पहला क्वेश्चन ये था टू ट्रांसफॉर्म यूकैरियोटिक सेल, दिस वाज़ द फर्स्ट वन। सेकंड वाला क्या था बेसिकली, एंड हाउ टू फोर्स देम, मतलब आप ये चाहते हो
कि जो काम बैक्टीरिया कर रहे हैं वो जो है बेसिकली प्लांट्स भी करें, ठीक है। हाउ टू फोर्स प्लांट्स टू डू व्हाट बैक्टीरिया और वायरसेस वांट्स, टू डू व्हाट बैक्टीरिया एंड वायरसेस वांट, ठीक है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। तो यहां पर जो है हम एक सॉइल बॉर्न बैक्टीरियम का यूज करते हैं, एंड दैट सॉइल बॉर्न बैक्टीरिया इज नथिंग बट इट इज एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशियल, याद रखिएगा। एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशियल इज अ बैक्टीरिया जो सॉइल बॉर्न है, ये करता क्या है, इट कॉजेज अ डिजीज, क्राउन गॉल डिजीज कहते हैं, इट कॉजेस क्राउन गॉल डिजीज। क्राउन गॉल मतलब क्या होता है, एक तरह का ट्यूमर कॉज करता है। मतलब अगर ये मान लो ट्री की बॉडी ऐसी है ना, मान लो नॉर्मल ट्री की बॉडी है, तो एग्रोबैक्टीरियम होने की वजह से उसको ऐसा ट्यूमर हो जाता है जगह जगह पे ट्री के ऊपर बॉडी पे। तो जब साइंटिस्टों ने स्टडी किया इस ट्यूमर को, तो उन्होंने क्या बताया कि इस ट्यूमर के अंदर एक्चुअली एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से चीजें हो रही है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियल। तो नेक्स्ट उन्होंने और ज्यादा स्टडी किया तो बताया कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियल के अंदर देयर इज अ प्लाज्मिड कॉल्ड एज टीआई प्लाज्मिड। टीआई का फुल फॉर्म क्या है, तो हम कहते हैं ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो जब और आगे स्टडी किया गया तो इन्होंने खास बात यह बताई कि पूरा का पूरा जो है प्लाज्मिड खराब नहीं है, ये बात ध्यान में रखिएगा। यहां से लेकर के यहां तक ये हिस्सा ये टी डीएनए का है, तो ये टी डीएनए मतलब क्या हो गया, ट्यूमर डीएनए। अगर इस प्लाज्मिड में से, ये कौन सा प्लाज्मिड है, तो टी आई प्लाज्मिड है, अगर इस प्लाज्मिड में से मैं किसी भी तरीके से ये टी डीएनए को काट के निकाल दूं, तो पूरा प्लाज्मिड तो अच्छा है क्योंकि तो सिर्फ टी डीएनए की वजह से ही ट्यूमर हो रहा है। अगर मैंने इसको काट के निकाल दिया तो बेसिकली मैं अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ डाल सकता हूँ। तो साइंटिस्टों ने वही काम किया, उन्होंने क्या किया बेसिकली, ध्यान से समझना, उन्होंने किया क्या, उन्होंने जो है टी आई प्लाज्मिड में से टी डीएनए को काट के निकाल दिया। नाउ दिस इज टी आई प्लाज्मिड विदाउट टी डीएनए, और इसके अंदर जो है उन्होंने क्या कर दिया, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, यानी ये जो भी प्लांट का चाहिए वो आपने डाल दिया। तो ये इस तरीके से टी आई प्लाज्मिड को यूज किया जाता है। अब एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियल हमारा दुश्मन नहीं, हमारा दोस्त बन गया है, क्योंकि इसका टी आई प्लाज्मिड जो है इट इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग रिकॉम्बिनेंट प्लांट्स। तो इस तरीके से टी आई प्लाज्मिड को अब हम यूज करते हैं, ठीक है। एंड सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, उसके टी डीएनए को काट के निकाल दे रहे हैं, ये बात ध्यान में रखना। तो ये चीजें एक हो गई, ठीक है। पहला तो प्लांट्स में हम जो है इस तरीके की चीजें यूज करते हैं, और एग्रोबैक्टीरियम जो है ये ज्यादा करके किसकी तरफ झुका हुआ है, तो याद रखना डाइकॉट, मोनोकॉट प्लांट में ये नहीं कर रहे हैं हम। जो भी आप टीआई प्लाज्मिड वगैरह इंसर्ट करोगे ये सब के सब किसके अंदर जाएंगे, तो याद रखना डाइकॉट प्लांट में, ये पूरी सिनेरियो डाइकॉट प्लांट के अंदर चल रही है जो भी हमने पढ़ा। देर आर अदर टेक्निक्स ऑल्सो जिसकी मदद से ये कहानियां बदलती हैं। तो चलो, एक तो ये प्लांट का तो हमें समझ में आ गया कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियल है जो डाइकॉट प्लांट के अंदर डीएनए डिलीवर करने में हेल्प करता है। अच्छा, फिर कुछ रेट्रोवायरसेस है, ये चलो आगे देख लेते हैं नेक्स्ट वाला पार्ट। देर इज समथिंग कॉल्ड एज रेट्रोवायरस। अब रेट्रोवायरस का मतलब क्या होता है, रेट्रोवायरस मतलब वायरस हैविंग आरएनए एज जीनोम या आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। तो इन्होंने क्या किया कि जैसे कोई वायरस एनिमल सेल में अटैक कर जाता है आराम से, तो क्यों ना इस रेट्रोवायरस में अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल करके इसको किया जाए, ठीक है। तो रेट्रोवायरस इन एनिमल सेल दे हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म। रेट्रोवायरस में एक खास बात क्या होता है कि ये नॉर्मल सेल्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू कैंसरस सेल।
ठीक है, नॉर्मल सेल को ये कैंसरस सेल में ट्रांसफॉर्म कर देता है, ये बात ध्यान में रखना। तो अच्छा एक और चीज है, रेट्रोवायरस को आप डिसार्म कर दो, ठीक है। डिसार्म मतलब जिस वजह से ट्यूमर होता होगा वो जीन को निकाल दो, और आपने अगर वो जीन निकाल दिया तो जाहिर सी बात है ये हमारे लिए यूजफुल हो जाता है। तो पूरा रेट्रोवायरस खराब नहीं है, रेट्रोवायरस का वही पार्ट खराब है जिसकी वजह से जो है कैंसरस सेल्स बनते हैं। तो डिसार्म्ड एंड देन इट इज यूज्ड। सो अ जीन और अ डीएनए फ्रैगमेंट इज लाइगेटेड, मल्टीपल कॉपीज क्रिएट किए जाते हैं। इस तरीके से पूरा का पूरा जीन का बेसिकली यूज किया जाता है।